उत्तर प्रदेश विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी विपक्षी दलों का हंगामा जारी है। लखनऊ में विधान भवन के सामने कांग्रेस के विधायकों ने जमकर हंगामा किया। इसके बाद इनको समाजवादी पार्टी के भी विधायकों का साथ मिल गया। इन सभी की मांग केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करने की है। लखनऊ में विधानसभा मार्ग पर विधान भवन के ठीक सामने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और विधान मंडल दल की नेता आराधना मिश्रा के नेतृत्व में कांग्रेस के विधायकों ने प्रदर्शन किया। इन सभी ने विधान भवन के सामने प्रदर्शन किया। इनकी मांग केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करने की है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के नेतृत्व में लखनऊ में जीपीओ गांधी प्रतिमा से लेकर विधानसभा तक मार्च निकाला गया। इस दौरान कांग्रेस विधान परिषद दल के नेता दीपक सिंह ने भी केंद्रीय मंत्री की अभद्रता पर नाराजगी जताई। अजय कुमार लल्लू ने कहा कि जब तक अजय कुमार मिश्रा टेनी को बर्खास्त नहीं किया जाएगा, हमारा विरोध जारी रहेगा। हम इस मुद्दे को बाहर भी उठाएंगे और विधानसभा में भी उठाएंगे। इस लड़ाई को मजबूती से अंजाम तक पहुंचाएंगे। लखनऊ में विधान भवन प्रांगण में समाजवादी पार्टी के विधायकों के साथ विधान परिषद सदस्यों ने लखीमपुर खीरी से सांसद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा टेनी के पत्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार करने पर प्रदर्शन किया। इनकी मांग टेनी को नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की है। उधर कांग्रेस के बड़े नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अजय कुमार टेनी को मीडिया को जवाब नहीं देना था तो वह चुप रह सकते थे। एक मंत्री का किसी को डराना धमकाना शोभा नहीं देता। लखीमपुर खीरी केस में एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद उन्हें खुद इस्तीफा देना चाहिए था। उसके लिए हमारा प्रदर्शन करना, मामले को सदन में उठाना, ऐसा नहीं होना चाहिए था।